अब हम इसका उल्टा और सीधा साइड देखेंगे। तो ये उल्टा साइड है, तो इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे, क्योंकि हम हमेशा जो है उल्टे फैब्रिक पर मार्किंग करते हैं। और देखिए इस तरह से जो है चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे, और जो ओपन वाला साइड होता है ना, खुला साइड, उसको हमने अपनी तरफ रखना है। ये देखिए इस तरह से लंबाई में फोल्ड नहीं करेंगे, चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर की साइड करीबन जो है 1/2 इंच पर इस तरह से ऐसे मार्जिन का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से जो है हम ऊपर की साइड सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे, और अब साइड से भी जो है हम 1/2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। अगर आप लोग ये निशान नहीं लगाएंगे ना, तो आपके प्लाजो में लूजिंग नहीं आएगी, तो आप लोगों ने ये निशान जो है लाजमी लगाना है, ठीक है जी। तो देखिए अब साइड से भी जो है हम 1/2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगा देंगे पूरी लंबाई में। तो जी हमारा निशान लग गया है। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे प्लाजो की टोटल लेंथ है वो मुझे चाहिए 36 या 36.5 इंच, तो मैं 35 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1 से 1.5 इंच की मैं अलग से इसमें बेल्ट अटैच करूंगी, तो उतना हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए 35 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है इस साइड से भी, और अब आगे बढ़ाकर भी जो है हम 35 यानी कि 35 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ से निशान लगाने से क्या होता है, आपका निशान ना कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने निशान लगा लिए हैं, और अब इन निशानों को जो है मैं आपस में इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। तो जी ये जो है हमारी लंबाई का निशान हो जाएगा। अब नीचे से मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जो हम नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं ना, मैं उसके लिए निशान लगा रही हूँ। अगर आप लोगों ने चौड़ा फोल्ड करना है तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, बट मैं जो है इतना ही फोल्ड करूंगी। तो देखिए मैंने ये बॉटम फोल्डिंग का निशान लगा दिया, ये लंबाई हमारी, ये देखिए, और ये नीचे से बॉटम फोल्ड, और ये हमारा मार्जिन का निशान, ठीक है जी। अब जो है हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कमर है उसका निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर हिप है मेरी 40, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच, और 2 इंच हम ऐड करेंगे लूजिंग के लिए तो हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो देखिए 12 इंच पर जो है हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। तो देखिए इस साइड से मैं 12 इंच पर निशान लगा दूंगी, और अब यहाँ से भी हमने 12 इंच पर निशान लगाना है। मतलब जितना भी इंच हमारा निकल कर आएगा ना, उतने इंच का हमने यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना लेना है, एक स्क्वायर बना लेना है इस तरह से। तो देखिए चारों साइड से मैंने 12 इंच पर निशान लगा दिया है, और अब इन निशानों को जो है हमने आपस में इस तरह से ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से, तो जी ये हमारा निशान लग गया है। अब जो है हमने जो हमारा क्रोच एरिया होता है ना आसन, उसका निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 इंच ऐसे आगे की साइड बढ़ाया है, तिरछा इंची टेप 1 इंच पर रखा है, और इस तरह से ऐसे जो है हमने शेप दे दी है, ये देखिए क्रोच एरिया की, ठीक है जी। अब जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको हम नापेंगे तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच, तो इसका मिड करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो देखिए 6 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाया है, और अब नीचे की साइड भी हमने जो है 6 इंच पर ही ऐसे ही निशान लगाना है। और अब इस निशान को जो है हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मिला देना है। और अब जो है हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो मेरी मोहरी है बॉटम की, वो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। तो देखिए 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच उधर, तो ये पूरा जो है हमारा 7 इंच हो जाएगा। अब हमने जो है लेग शेपर लेना है, और इस तरह से ऐसे उसको रखना है क्रोच एरिया से लेकर नीचे बॉटम तक, और ऐसे मिला देना है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, और यहाँ से भी हम इस तरह से ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो जी ये जो है हमारे फ्रंट साइड का निशान लग गया है। अब हमने यहाँ पर जो हमने 6 इंच किया था ना इसका मिड, तो उतने ही इंच का हमने ऊपर भी निशान लगाना है, और ऐसे इसको मिला देना है पूरे निशान को, ठीक है जी। अब जो ये वाली लाइन है यहाँ पर ही हमने जो है 1-1 इंच की इस तरह से ऐसे यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। हम यहाँ पर प्लेट भी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 1-1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और जो इसकी लंबाई है वो हमने रखनी है 4.5 इंच प्लेट की लंबाई, ठीक है जी। और अब इस तरह से जो है हमने इनको ऐसे मिला देना है, तो ये हमारी फ्रंट साइड जो है प्लेट्स बन जाएंगी, ठीक है जी इस तरह से। अब ये फ्रंट साइड हमारा तैयार है, तो अब हमने इसकी जो है कटिंग कर देनी है। तो जी जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम वैसे ही वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। कोई भी मार्जिन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है हमने। जैसे जैसे हमने सिंपली निशान लगाए हैं उसी तरह से जो है हम उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसकी कटिंग कर देंगे। तो जी देखिए हमने जो है फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है, और वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है जी। अब इसी से जो है हमने अपनी बैक साइड भी कट करनी है, तो अब हम इसको पहले साइड कर देंगे। और अब हमने देखिए बैक साइड के लिए अगेन डबल फोल्ड में अपना फैब्रिक बिछा लिया है इस तरह से, और ऊपर से हमने करीबन 1.5 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। जो हमारी बैक साइड होगी ना वो ऊपर से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए 1.5 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे दोनों साइड पर निशान लगाऊंगी, और उन निशानों को जो है हम आपस में इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा फ्रंट साइड था ना उसको ही हमने जो है जो ये 1.5 इंच निशान लगाया है,
इससे बिल्कुल नीचे हमने इस तरह से ऐसे मिलाकर इसको इस तरह से ऐसे बिछाना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कोई भी आपके फैब्रिक में श्रिंक ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ ऊपर से हम 2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, क्रोचेरी वाले साइड से भी हमने 2 इंच आगे बढ़ाकर ऐसे निशान लगाना है, और नीचे बॉटम से भी जो हमारा बैक साइड है उसको हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। अब जो हमारा पहले वाला क्रोच एरिया है ये, और ऊपर वाला जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है, उन निशानों को हमने ऐसे आपस में मिलाना है और यहाँ पर एक एल शेप बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है हम 1 इंच पर इस तरह से ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे, और जो हमारा बैक साइड है उसका क्रोच एरिया हम इस तरह से ऐसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने शेप देनी है, और अब अगेन हम लेग शेप पर लेंगे और जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से ऐसे जो है लेग शेपर से लाइन खींच देनी है। ये देखिए तो ये जो है हमारे बैक साइड का निशान हो गया है। अब जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने क्रोच एरिया वाली साइड से ऐसे तिरछा मिलाना है। ये देखिए अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपका जो प्लाजो है वो उचकेगा, ठीक है। तो ये बैक साइड आपने जरूर एक्स्ट्रा रखनी है, 1.5 से 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं आप अगर ज्यादा हैवी है तो। और अब देखिए जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं बैक साइड पर, उसी निशान के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से ऐसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो जी ये जो है हमारा बैक साइड कट कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो ये मैं कट कर रही हूँ ये साइड हमारा बिल्कुल एक जैसा रहता है, बस हमारा ये क्रोच एरिया वाला साइड 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है बैक साइड का। अब देखिए फ्रंट साइड को हमने इस तरह से ऐसे अलग कर देना है, और जो हमारा बैक साइड है उस पर हम बी लिख देंगे। और बैक साइड में प्लेट्स नहीं डलती हैं, ऊपर की साइड सिर्फ फ्रंट साइड में डलती हैं। तो देखिए अब फ्रंट साइड पे हमने दोनों साइड प्लेट्स बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमने जिस साइड निशान लगाए थे उसको हमने रख देना है दूसरे साइड पे। और अब इस तरह से हम हाथ से ऐसे छाप देंगे इसको, तो देखिए सेम बिल्कुल हमारी जो जितनी प्लेट इस साइड थी उस साइड भी बिल्कुल वैसी ही छप जाएगी, और उसको डार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब चलिए हम इसकी जो है बेल्ट कट कर लेते हैं। तो देखिए ये डबल फैब्रिक है, इसको फिर अगेन मैं इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लूंगी, और जितनी हमारी चौड़ाई है ना हमारे कमर की उसके उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमने जो है इसको कट कर लेना है। और जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच यहाँ पर रख रही हूँ, खोल कर ये 4 इंच आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए इस तरह से, देखिए 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा इधर उधर से, और करीबन 1.5 इंच की मैं इसमें बेल्ट अटैच करूंगी, 1.5 इंच वाली इलास्टिक लगाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये कट कर रही हूँ। तो देखिए 4 इंच हमने चौड़ाई रखनी है, और अंदाजे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने जो है अपनी पूरी बेल्ट से जो हमारे चारों अराउंड जो हमारे कमर का कमर है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको कट किया है। तो जी ये जो है हमारी बेल्ट कट गई है, देख सकते हैं आप लोग, और ये देखिए इस तरह से कुछ। अब जो है हम मियानी कट करेंगे, अगर आप लोग चाहें तो बिना मियानी के भी बना सकते हैं। तो देखिए डबल फोल्ड है, फिर इसको मैंने फोर्थ फोल्ड किया है इस तरह से, और जो मियानी की चौड़ाई है वो मैं 2.25 इंच रख रही हूँ, और जो लंबाई है वो 2.25 इंच रख रही हूँ। और अब इस तरह से जो है हमने इसको ऐसे ट्रायंगल शेप दे देनी है। आप अगर मतलब कई लोगों का कहना है कि ओरे फैब्रिक में बनाते हैं, बट सीधे में भी बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं करती मियानी, मैं तो हमेशा लगाती हूँ। बाकी आप ओरे में भी कट कर सकते हैं, ओरे फैब्रिक में। तो देखिए ये जो है हमारी मैनी कट कर तैयार है। अब चलिए हम इसको सिलना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है अपना फ्रंट साइड लेना है, और इसको एक दूसरे के जवाबी रखना है। जवाबी मीन्स एक दूसरे के इस तरह से ऐसे क्रोचेरिया से क्रोचेरिया मिलाकर, और अब हम जो है मियानी जोड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने रखनी है, और इस तरह से हमने मियानी पकड़नी है, और नीचे से जो है हम इस तरह से ऐसे इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। सिलाई करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने शुरुआत में सबसे पहले पक्का करना है, और आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है, ना आपने मियानी को खींचना है, ना आपने क्रोचेरी वाले साइड को खींचना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक होता है वो अरेब होता है तो वो खींचता है, तो आप लोगों ने खींचना नहीं है, बिल्कुल ईजिली जो है अच्छे से मिलाते जाना है और इस तरह से जो है सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप लोगों को, मतलब मैं बिल्कुल भी जो है वीडियो कट नहीं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है समझ आए। तो देखिए एक साइड जो है हमारी मियानी जुड़ गई है, और जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमने दूसरा साइड लेना है सेम, और अब इसको जो है हम ऊपर की साइड से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे हम, और इसको इस तरह से जो है हम जोड़ना शुरू करेंगे। वही सेम जब शुरुआत करें आप तब आपने पक्का करना है, और जब एंड करें तब आपने पक्का करना है। तो देखिए पक्का करेंगे हम, और इस तरह से जो है दोनों को मिलाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए मियानी को हमने अब खोल लेना है, ये देखिए इस तरह से, और जो दूसरी साइड का हमारा मियानी वाला हिस्सा है उसको हमने दूसरे साइड वाले क्रोच एरिया से इस तरह से ऐसे स्टिच करते जाना है।
ये देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल भी जो है फास्ट नहीं कर रही हूँ और बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आए। ठीक है जी, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए ये जो हमारा फ्रंट साइड है, ये म्यानी जुड़ने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट्स हैं इनको हम स्टिच करेंगे। ये देखिए निशान से बिल्कुल आपने पकड़ना है, शुरुआत में पक्का करना है और इस तरह से ऐसे जो है इसको सिलना है, और जब एंड करेंगे तब पक्का करना है। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरे साइड की भी जो हमारी प्लेट है उसको भी हमने सेम इसी तरह से ऐसे ही सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से, शुरुआत में पक्का एंड देन एंड में पक्का। ये देखिए तिरछा इस तरह से सिलेंगे, ट्रायंगल की तरह। और अब ये कुछ इस तरह से दिखेगी और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है जी, तो फ्रंट साइड की हमारी म्यानी जुड़ गई है, प्लेट्स में भी सिलाई लग गई है। अब हम बैक साइड में भी म्यानी जोड़ लेंगे इसी तरह से सेम। ठीक है जी, तो देखिए बैक साइड में भी मैंने सेम वैसे ही म्यानी जोड़ ली है जैसे हमने फ्रंट साइड में जोड़ी थी। अब बैक साइड वाले हिस्से को ऐसे सीधा कर कर हम रखेंगे, और जो हमारा फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उसको हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे, और सबसे पहले जो है हम इनके साइड्स जोड़ेंगे। ये देखिए साइड्स को हमने इस तरह से ऐसे पकड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से, शुरुआत में हम इस तरह से ऐसे पक्का करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल भी आपने खींचना नहीं है, साइड से साइड मिलानी है। और जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लगाया था ना, वो यहाँ पर बहुत काम आता है, तो इसीलिए जो है हम ये मार्जिन लगाते हैं ताकि हमारी यहाँ से अच्छी सी लूजिंग बन सके। तो देखिए अब इस तरह से हमने इनको बस मिलाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए एंड कर देंगे हम इस तरह से। अब जो हमारा दूसरा साइड है ना, ये देखिए एक साइड तो हमारा सिल गया है, अब जो हमारा दूसरा साइड है उसको भी सेम हमने इसी तरह से ऐसे स्टिच कर देना है, सेम वैसे ही जैसे हमने उस साइड का किया था। ठीक है जी, तो जी दोनों साइड हमने सिल दी है, लेकिन हाँ जब दूसरे वाला साइड सिलेंगे ना, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो आपने थोड़ा सा ना इस तरह से ऐसे खुला छोड़ देना है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इस तरह से ऐसे खुला छोड़ देंगे। और अब देखिए, अब जो हमारा नीचे का बॉटम है ना, उसको हमने जो है फोल्ड करना है। उसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले ना हम निशान लगा लेंगे, तो जो हमने 2 इंच छोड़ा था ना फोल्ड करने के लिए, ये देखिए हमने 2 इंच छोड़ा था, तो 2 इंच ही हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाने से क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा फोल्ड होता है, बिल्कुल भी झोल वगैरह आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक पतला फोल्ड लेंगे इसके अंदर ही। ये देखिए इस तरह से, और अब जो है हम इसको मतलब सिलाई लगा देंगे। और सिलाई ना आपकी मशीन की जो सबसे बड़ी सिलाई होती है वो लगानी है आपने, क्योंकि बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच करेंगे इसलिए। और अगर अगर आप लोगों ने हैंड स्टिच नहीं करनी है तो आप लोग बिल्कुल किनारे पर छोटी सिलाई लगाइएगा। ठीक है जी, तो देखिए इस तरह से जो है हमने सिलाई लगा दी है। अब ऐसे ही हम दूसरा पौंचा भी बना लेंगे। तो जी देखिए दोनों पौंचे हमारे जो है फोल्ड होके तैयार हैं। अब हम मिडल वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो है मिडल वाली सिलाई लगानी है। दोनों को इस तरह से हमने पकड़ना है, शुरुआत में हम इस तरह से ऐसे पक्का करेंगे और इस तरह से ऐसे जो है इसको स्टिच करते जाएंगे। अगेन आप लोगों ने खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग खींच के लगाएंगे ना सिलाई, तो जब तक आप दूसरे पौंचे तक पहुंचेंगे ना, वो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी जो है खींचना नहीं है, बिल्कुल म्यानी से म्यानी आपकी मिलनी चाहिए और बॉटम से बॉटम मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फ्रंट साइड की म्यानी से मेरी बैक साइड की म्यानी बिल्कुल अच्छे से जो है बिल्कुल मिल रही है, इसी तरह से मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी अगर आगे पीछे होगी ना थोड़ी सी भी, तो जब तक आप सिलते सिलते दूसरे पौंचे तक आएंगे, दूसरे बॉटम तक आएंगे, तो वो हल्का सा छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो खींच देते हैं उस कारण। तो देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से बैठा है। तो देखिए अब हमारी जो है सेंटर की सिलाई भी लग गई है। अब हमने इस पर बेल्ट बनानी है। किस तरह से बनानी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो हमने यहाँ से खुला छोड़ा था ना, इसको हम ऐसे सिंगल करके रखेंगे, और जो हमारी बेल्ट थी उसको हमने इस तरह से ऐसे खोलकर नीचे की साइड ऐसे रखना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। करीबन जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेकर आपने इस तरह से ऐसे सिलाई लगानी है। शुरुआत में आपने पक्का करना है और बिल्कुल अच्छे से हमारी बेल्ट और जो हमारे कमर वाला हिस्सा है हमारे प्लाजो का, उसको आपने इस तरह से ऐसे रखना है और ऐसे जो है उसको स्टिच करते जाना है। बिल्कुल इजीली जो है आपने स्टिच करना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये देखिए करीबन हाफ मतलब जितना भी आप मार्जिन लेंगे उतने इंच का, करीबन 1/2 इंच का मार्जिन लेकर आपने इस तरह से ऐसे इसको सिलते जाना है, तभी जो है हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक जो मैं लगाऊंगी वो इसमें फिट बैठेगी। ठीक है जी, तो देखिए अब इसी तरह से जो है मैं बिल्कुल चारों साइड इसके इस बेल्ट को ऐसे ही जोड़ दूंगी। आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है जी,
ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है। अब जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये देखिए ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है, पहले मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी बिल्कुल अपनी बेल्ट को इस तरह से ऐसे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है फिर हम उसको कट करेंगे। ये देखिए पहले हमने अच्छे से बिल्कुल मिला लेना है ताकि बिल्कुल भी जो है छोटी बड़ी ना पड़े हमारी बेल्ट। और अब जो है मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, ये देखिए अब हमने बिल्कुल इसके बराबर इसको ऐसे कट कर देना है। और अब इस पर हम जो है इस तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको ऐसे सिल देंगे और एंड में इसके पक्का करेंगे। ये देखिए तो जो हमारी बेल्ट है वो जुड़ गई है, और अब मैं इस पे आयरन करूंगी अच्छे से, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम सिंगल करेंगे, और जो हमारा सेंटर है इसका फ्रंट साइड का जो सेंटर है मैं उसका निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगाना है। अब 3 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है, जितनी आपकी इलास्टिक होगी ना वो इसके अंदर ऐसे कवर होनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है जी। और 11 इंच से बड़ी मत लेना आप। तो देखिए अब मैं इसका भी सेंटर करूंगी इस तरह से, ये देखिए मैं निशान लगा दूंगी इसका सेंटर का। और अब जो है पेपर पेस्टिंग को हम बिल्कुल सेंटर में इस तरह से ऐसे रखेंगे फ्रंट साइड के, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, फ्रंट साइड के सेंटर में आपको रखना है, और पेस्टिंग वाली साइड जो है वो नीचे की साइड रखिएगा। जो हमारी सिलाई है वहां से हल्का सा ऊपर रखकर हम इसको इस तरह से ऐसे पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो जो हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम आती है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है पेपर पेस्टिंग ज्यादा पसंद है तो मैं वही लगाती हूँ। तो देखिए इसको मैं अच्छे से बिल्कुल पेस्ट कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। टाइम देना है आपने, जल्दी जल्दी से पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो सके। अब ये जो ऊपर फैब्रिक बचा है करीबन 1/2 इंच, इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए पूरे फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है, ये देखिए किस तरह से फोल्ड करना है वो मैं आप लोग को मशीन पर बता देती हूँ। ये देखिए 1/2 इंच करीबन इस तरह से हम इसको ऐसे लेंगे, 1/2 इंच से मतलब कम ही लेंगे ताकि स्टिच करें हम तो उसका भी फैब्रिक हमारा बच जाए। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी ऊपर से हमने बेल्ट इस तरह से ऐसे सिल देनी है, ये देखिए जो हमने पेस्टिंग की है उसके वो भी, और उसके बाद भी जो हमारा पूरा जो हमारी बेल्ट बचेगी ना उसको हम इस तरह से ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बड़ी सिलाई लगानी है आपने, छोटी सिलाई नहीं लगानी है, ताकि आपका फैब्रिक जो है बिल्कुल भी श्रिंक ना हो, इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए पूरी बेल्ट पर मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी, स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो आप लोगों को, ताकि अच्छे से जो है बिल्कुल दिखे। अब देखिए पूरे राउंड पर हमने इसी तरह से ऐसे सिलाई लगा ली है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे सिंगल करेंगे और इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और ऊपर ना क्रीच बना लेंगे हम नेल से, ये देखिए इस तरह से ऐसे रखकर हमने बिल्कुल क्रीच बना लेनी है इस तरह से ऐसे नेल से, ताकि हमें इसका सेंटर मिल सके कि हमने सिलाई कहाँ लगानी है, ठीक है। और अब जो है मैं निशान भी लगा दूंगी यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लेनी है। और अब जो है हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक मुझे पूरी ना राउंड जो है, ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे इलास्टिक रखेंगे पहले, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर निशान में, और इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर 2-3 सिलाई लगानी है इलास्टिक पर। इलास्टिक मैंने किसके अकॉर्डिंग ली है, मुझे पूरी जो मेरी इलास्टिक वाली थी वो मुझे 30 इंच चाहिए थी, तो 10 इंच की मेरी बेल्ट बन रही है आगे की, तो मैंने 20 इंच की जो है इलास्टिक ले ली है, ठीक है। आपको जितना आप लगाते हैं उसके अकॉर्डिंगली लीजिएगा। और अब देखिए मैं इस तरह से ऐसे इसको 3-4 यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये देखिए 3-4 इंच 3-4 बार जो है मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से बैठ जाए। और फिर उसको ऐसे डबल करते हुए फोल्ड, और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर जो है हमने सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ, और बिल्कुल किनारे पर लगाइएगा ताकि आपकी बेल्ट बहुत अच्छी बने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो हमारी इलास्टिक है इसको बिल्कुल हम इस तरह से ऐसे मतलब उलट के इसको इस तरह से रखेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसी हमारी इलास्टिक आए, और फिर इसको हम इस तरह से ऐसे सिलेंगे। और इस साइड पर भी ना हम जो है 3-4 सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ पर मशीन रोक कर जहाँ पर हमने इलास्टिक को स्टिच करना है वहां पर हम 3-4-5 सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी जो है ये जो हमने इसमें इलास्टिक लगाई है ये बिल्कुल भी निकले नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है 2-4 सिलाई लगा लूंगी यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल पक्का कर कर, और अब इसको जो है हम धागे को कट कर देंगे, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी हमारी जो बेल्ट है फ्रंट की वो बन गई है, अब हमने इस इलास्टिक को जो है हमारे बैक साइड लगाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसको ऐसे रखना है, बिल्कुल किनारे पर रखेंगे,
और इलास्टिक को हमने बिल्कुल जो हमारी सिलाई है जहाँ से हमने बेल्ट जोड़ी थी वहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, और जो हमारा फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और सिलाई लगाते जाएंगे। और सिलाई लगाते वक्त आपने इतना गैप रखना है कि आपकी इलास्टिक पर सिलाई ना लगे। ये देखिए मैं इस चीज़ को बहुत तरीके से देख रही हूँ, बहुत तरीके से कर रही हूँ कि जो मेरी इलास्टिक है उस पर मेरी सिलाई ना लगे। ये देखिए बिल्कुल तरीके से हम सिलाई के पास रखेंगे और कपड़े को ऊपर की साइड रखेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो हमारी इलास्टिक पर ना लगे, ठीक है। और इस तरह से जो है हम इसको स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए जब एक वक्त आएगा ना तो आपकी इलास्टिक जो है कम पड़ने लगेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने जो है प्लाजो को इस तरह से ऐसे सीधा कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हमारी जो इलास्टिक है वो कम पड़ने लग गई है, तो हम क्या करेंगे इसको खींचकर हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे खींचना है। पहले आप इसको इस तरह से ऐसे सिल लीजिए, जितनी आप सिल पा रहे हैं उतना आप सिल लीजिए इस तरह से ऐसे। और अब जो है हम इलास्टिक को खींचेंगे इस तरह से, कपड़े को हम जो है सरकाते जाएंगे उस साइड, और इस तरह से हम इलास्टिक को निकालते जाएंगे। अगर हमारी इलास्टिक पर सिलाई होगी तो हमारी इलास्टिक ऐसे खींचकर नहीं निकलेगी, तो यही रीजन होता है कि हम जो है इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस जैसे हम आगे से सिलते आए हैं, सेम उसी तरह से जो है हम पूरी बेल्ट को सिलते आएंगे। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल एंड हो रहा है, और यहाँ पे हल्की सी जो है आप लोग देख सकते होंगे कि बिल्कुल लास्ट में ना हल्की सी जो है यहाँ पर एक ऐसी प्लेट डल रही है, तो वो उतना पता नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर श्रिंक पड़ेगी अभी बेल्ट की, तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हल्का फुल्का जो है वो हो ही जाता है, कितना भी आप संभल कर करें तो आपने उस वो घबराने वाली बात नहीं है, वो हमारी बेल्ट में ही जो है एडजस्ट हो जाती है। अब देखिए हम इसको इस तरह से ऐसे खींच देंगे, तो जहां पर भी हमारी बैक साइड है वहां पर हमारी जो है श्रिंक इस तरह से पड़ जाएंगी, तो वो जो हल्की सी हमारी एक प्लेट आई थी ना, झोल आई थी, वो इसमें ही मैनेज हो जाएगी और आपको दिखेगी भी नहीं। तो जब आप बनाए तो उसको घबराना नहीं है, वो हो जाता है हल्का फुल्का। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हम इसको खींच देंगे, और कितनी परफेक्ट जो है हमारी बेल्ट बनकर तैयार हुई है। अब जो इलास्टिक वाला साइड है उसको हमने ऐसे खींचते हुए यहाँ पर सेंटर में ऐसे एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई से क्या होगा, जो आपकी श्रिंक पड़ रही है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। बीच में एक सिलाई लगाने से ना आपकी बेल्ट इधर उधर जो है खिसकती नहीं है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए हमने बैक साइड ऐसे सिलाई लगा दी है सेंटर में, और जो हमारी बेल्ट है वो बनकर तैयार है। अब ना हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये और अच्छे से बिल्कुल बैठ जाए, और आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी फिनिशिंग से और कितनी इजीली जो है मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखिए ये बनकर तैयार है। अब मैं जो है नीचे रखकर आप लोगों को जो है इसको दिखाती हूँ, बाकी आप लोग ऐसे भी देख लें। अभी मैंने इस पर आयरन नहीं किया है, और इसको हम आयरन कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये तो हमारा फ्रंट साइड है, और जो हमारा अंदर वाला साइड है ना वहां से भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। कोई रेशा नहीं, कोई धागा नहीं, बिल्कुल भी झोल झाल कुछ नहीं, बहुत अच्छे से जो है हमारी पैंट बनकर तैयार हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इसकी इलास्टिक पर इस तरह से ऐसे आयरन कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इसको ऐसे रखना है, और जो हमारी ऊपर प्लेट्स पड़ी थी ना वहां से हमने इसका सेंटर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और जो हमारी सिलाई है उसको हम मिडल में रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बिल्कुल अच्छे से इसको ऐसे बिछाते हुए हमने क्रीच बनाकर जो है इस पर आयरन करनी है। तो जो क्रीच जो हमारी फ्रंट साइड आती है ना, तो बिल्कुल पेंट वाला लुक देती है अगर आप इस तरह से आयरन करते हैं। फ्लैट भी लोग आयरन करते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ना आप तो और अच्छा लगेगा। अब देखिए दूसरी साइड की हमने प्लेट्स पकड़नी है, और उसको इसके ऊपर ऐसे रखना है, और सिलाई को हमने सेंटर में रखना है। जैसे हम पेंट पे प्रेस करते हैं ना जेंट्स पैंट पर, उस तरह से आपने इस पर जो है आयरन करनी है, तो ये बहुत अच्छा लुक देती है पहनने के बाद भी। तो देखिए अब इस पर हम अगेन जो है इस तरह से ऐसे आयरन कर देंगे, और बहुत अच्छे से प्रेस बैठ जाती है। अगर आप एक बार अच्छे से प्रेस कर लेना तो फिर वो क्रीच बनी ही रहती है, तो उस पर ही आप जो है अगेन एंड अगेन प्रेस कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए मैं पूरा आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। एक दो मिनट एक्स्ट्रा ही लगेगा, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए बैक साइड से भी पलटकर हम इस तरह से ऐसे जो है इसमें प्रेस कर देंगे इसको बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो इस पर पॉकेट भी लगा सकते हैं, बट मैंने पॉकेट नहीं लगाई है। और अब ऊपर से उठाकर नीचे की साइड भी हम इसी तरह से आयरन कर देंगे, और बाकी मैं जो है इसको अभी आपको खोल के दिखाऊंगी, तब आप लोग देखेगा कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, कितने अच्छे से ये बैठा है। ये देखिए प्रॉपर हमने प्रेस कर दिया है इसको, और अब ये इस तरह से दिखेगी। ये देखिए ये जो क्रीच देख रहे हैं आप लोग, ये आपके सेंटर में आएगी,
और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और बेल्ट फिर मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ, फिनिशिंग देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।